हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्पाइरल बाइंडिंग कैसे करें। यहाँ पे मैंने सबसे पहले A3 साइज़ की शीट ले लिया और उसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ से मैंने 4 से 5 शीट्स ले ली है और उसको फोल्ड करने के बाद मैं इसको मिडल से कट करूँगी। ये सारी शीट्स मैंने फोल्ड कर ली है और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। सारी शीट्स कट हो जाने के बाद स्केल के हेल्प से हम एक लाइन खींचेंगे और हम पंचिंग मशीन की हेल्प से शीट्स के ऊपर पंच करेंगे। जिस तरीके से मैं पहली शीट के ऊपर पंच कर रही हूँ, उसी तरीके से हम सारी शीट्स के ऊपर पंच करेंगे। तो यहाँ पे पंचिंग हो चुकी है कंप्लीट। जब पंचिंग हो जाएगी अच्छे से कंप्लीट, तो हम शीट्स को अच्छे से रख देंगे और इस तरीके की राउंड वायर की मदद से हम सारी शीट्स को अच्छे से बाइंड करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं स्पाइरल बाइंडिंग। इस तार को आप एक बारी लास्ट होल में घुसाएंगे तो ये अपने आप ही रोल रोल होकर आगे आती रहेगी और इसको आप घर में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये जो स्पाइरल वायर है, ये भी सिर्फ आपको 5 से 10 रुपीज़ की पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी स्पाइरल बाइंडिंग हो चुकी है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।